माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ा हुआ प्रश्न पूछ लें। माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं सम्मान्य मंत्री मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि क्रम संख्या एक में गुलखेड़ी के विस्थापित किसानों को जो 15 लाख रुपए प्रति परिवार देने की आपने बात कही है उसमें प्रति परिवार को परिभाषित करते हुए वहाँ के भूमिहीन किसान व सीमांत कृषकों को किस दर से मुआवजा देने का प्रावधान किया गया। मुआवजा तय करने के लिए जिस नियम का हवाला दिया है वो नियम उसको भी आप परिभाषित करें। और साथ ही दूसरा मेरा प्रश्न है कि क्या रामगढ़ अभ्यारण्य में जाने का रियासतकालीन रास्ता ग्राम पीपलिया में था जिसे हम बंद करने जा रहे हैं। रामगढ़ अभ्यारण्य घोषित होने के बाद ग्राम पंचायत पीपलिया के लगभग सभी गांवों की मूलभूत सुविधा सरकार द्वारा पिछले 18 सालों से बंद कर रखी है, प्रतिबंध लगा रखा है, तो क्या रामगढ़ में पर्यटनों के आने जाने के प्रवेश द्वार ग्राम पंचायत पीपलिया में बनाना उचित नहीं होगा क्या, ये पूछ रही हूँ मैं आपसे, क्योंकि बरसों से वहाँ पर हमारा गेट बना हुआ था और वहाँ का रोजगार लोगों को मिलेगा। आपकी मंशा क्या है ये बताने का? आप प्रश्न भी पूछते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं, बता दें। बोल रहे मन प्रश्न के उत्तर में आपको परिशिष्ट एक में दे दिया है, 3 द्वार पर्यटन के लिए खोले गए हैं। ये मेरी विधानसभा के बाहर है और मेरे गांव वंचित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन दे दी, मकान दे दिया, सब कुछ दे दिया, गेट आप दूसरी विधानसभा में लेके जा रहे हो। माननीय सदस्य उत्तर नहीं सुन रहे हैं, मंत्री खड़े और आप खुद खड़े होकर प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर सुनने नहीं अपने को, प्रश्न जवाब पूछना गली गलत परंपरा है, पहले मंत्री सुनने आप फिर। पर्यटनों के लिए इसमें 3 द्वार खोले गए हैं और आप और द्वार खोलने की बात कर रही हैं, तो इसका मैं विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके परीक्षण करवा लूँगा, अगर परीक्षण में ये उपयुक्त पाया गया तो इसको खोल दिया जाएगा और उपयुक्त नहीं पाया गया तो नहीं खोला जाएगा। गेट पहले से ही बना हुआ है साहब, चांदना जी से पूछ लीजिए। प्रश्न मंत्री बैठे नहीं, प्रश्न पूछ देते वापस, बहुत सीनियर मेंबर है आप। दूसरा प्रश्न पूछे माननीय मंत्री मोदी, मेरा इतना सा निवेदन है, हमारे मंत्री मोदी भी यहीं विराजमान है, बूंदी वाले MLA साहब भी विराजमान है, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जहाँ रियासतकालीन गेट है उसको बंद न करें, उसी को गेट बनाया जाए, जो 3 गेट बना रहे हो एक उसको शामिल कर ले, क्योंकि लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया, किसानों ने अपने मकान दे दिए, अपनी जमीन दे दी, तो उनको फायदा मिलना चाहिए, इतना सा निवेदन। दोबारा बोल तो दिखाने का और दोबारा मैंने आपको बता दिया ना, अधिकारियों से इस बारे में चर्चा कर लूंगा, परीक्षण करवा लूंगा और उपयुक्त पाया गया तो खोल दें। अगला प्रश्न।